नमस्कार, आपण पाहत आहात शौर्य मराठी। जळगाव रेल्वे स्टेशनच्या मागील बाजूस असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याजवळील रस्ता जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्या परवानगीने नागरिकांना वापरासाठी खुला करण्यात आला आहे। या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता यांनी पाठपुरावा केला। शहरातील छत्रपती शिवाजी नगरातील रेल्वे उड्डाण पुलाचे काम गेल्या 2 ते 3 वर्षापासून सुरू आहे, त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याजवळील रस्ता देखील बंद करण्यात आलेला होता। दरम्यान या ठिकाणीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे, त्यामुळे बंद केलेला रस्ता नागरिकांसाठी खुला करण्यात यावा अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्याकडे केली। त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीने हा रस्ता नागरिकांच्या वहिवाटीसाठी खुला करण्यात आला। शिवाजीनगर जो पूल है, जो शिवाजीनगर छत्रपती शिवाजी महाराज के जो पुतला है, उनके पास से है ना, ये गेट जो पहले बंद था, यह रास्ता जो पूरा बंद था, आज ये रास्ता खुला गया हुआ है। मेरे पाठपुरावा लगातार कल के दिन है ना, मैंने परसों के दिन जो है, जो ये सीई थे, जो चीफ इंजीनियर है नासिक के, उनसे मैंने कॉल पे बात की थी और यहाँ के अधिकारियों को शिकायत की थी। उसके बाद में कल के दिन है ना, मैं ना जो ये है कार्य जो अधीक्षक अभियंता है रूपा गिरासे मैडम, उनसे भी मिलकर मैंने बात की कि ये पुल खुलना चाहिए, इधर के उसमें नहीं है। उसके अनुसार उन्होंने आज मीटिंग भी लगाई थी और मुझे भरोसा दिलाया था कि हमें जल्दी ये खोल देंगे। तो आज है ना ये पुल ये चालू हो गया हुआ है। और इसके बाद में मेरा अभी है ना एक घंटा पहले लगभग है ना जो कार्यकारी अभियंता है उनसे भी मैंने बात किया कि साहब ये पुल कब तक के चालू होगा। तो उनका कहना है कि ना ये पुल है ना मई के स्टार्ट है, 1 मई से लगभग है ना शुरू हो जाएगा, पूरा पूरी तरह यातायात के खोल लिया जाएगा। 31 मार्च तक के इसके जो काम है ये हम काम पूरा कर लेंगे इस ऊपर का, और बाकी का जो है ना जो गडर वगैरह डालना है ये करना है ऊपर का, ये रखने के बाद में यहाँ पर ये इसको सूखने को 1 महीने का टाइम लगता है। उसका 1 महीने में हमें ना पूरा एक मतलब 31 मार्च तक के पूरा काम हो जाएगा। 1 महीने से मतलब 1 मई से लगभग है ना ये पुल पूरा वाहनों के लिए पूरी तरह खुल जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया।